अस्सलाम वालेकुम। हेलो सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग सब? और ये है बकरीद की सुबह, और मैंने निकाले हैं अपने बच्चों के कपड़े, और मेरे बच्चे अभी ये कपड़े पहनेंगे, तो आपको दिखाऊंगी मैं डेली रूटीन, मतलब बकरीद के दिन यहाँ पर क्या क्या होता है, मेरी ससुराल में कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग सब। तो आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा, मैं दिखाती हूँ आगे आपको। और ये है मेरी बेटी का गाउन टाइप का है, और प्लाज़ो है इसके साथ में, बहुत ही प्यारा कलर है। और ये है, पहले मेरे बेटे को ये पसंद है कुर्ता पजामा पहनना, तो ये पहनेंगे। और उसके बाद में एक एक सूट अपनी बेटी और बेटे के लिए अलग अलग निकाल दिया है कि जब ये कपड़े चेंज करें तो ये वाले पहन लें। ये देखिए मेरे बेटे का सूट, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा था, बहुत ही अच्छा था, तो मैंने ले लिया था। और ये देखिए बच्चे तैयार हो गए हैं, ये मेरी बेटी, और इसके साथ में मेरी नंद की बेटी है, बहुत प्यारी है, और ये भी रेडी हो गई हैं। इन्होंने पहना है लहंगा, और अभी दिखाऊंगी, मेरा बेटा अभी रेडी हो रहा है तो आपको दिखाऊंगी अपने बेटे को। उसने पहना है कुर्ता पजामा, और ये देखिए ये है मेरे बेटे, ये रेडी हो गए हैं और आप लोग को दिखा रहे हैं अपने अपना कुर्ता पजामा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, टुडे आई एम वेयरिंग कुर्ता पजामा एंड आई एम विशिंग यू ऑल ऑफ यू बकरीद मुबारक। तो इसलिए हम लोगों ने मंगवा ली थी आलू की टिक्की, और ये बहुत सारी आलू की टिक्की दिखाई दे रही होंगी क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे हस्बैंड सबके लिए लाए हैं आलू की टिक्की। इतने ये खा के हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या बनेगा कुर्बानी के बाद में, और मेरे साथ में रहिएगा। और यहाँ की आलू की टिक्की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है, बस हम लोग ईद बकरीद पर ही खाते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्पेशल बनती है ईद बकरीद के लिए, तो हम लोग इसी पे एंजॉय कर पाते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है, मेरे बच्चों को भी बहुत ही पसंद है और मुझे भी। वैसे तो बहुत ही मतलब हर तरह की चाट मिलती है आलू की टिक्की बताशे, लेकिन ये बस साल में दो बारी बनती है, तो हम लोग को बहुत ही पसंद है ये आलू की टिक्की। और अब आ जाइए मेरे साथ किचन में और देखिए आज क्या क्या बनता है किचन में। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पीस लिया है, और ये प्याज जो कट की है ये है कलेजी के लिए, और मैं आगे दिखाती हूँ कि और क्या बनेगा। और वाइट पुलाव बनेगा, क्योंकि यहाँ वाइट पुलाव बनता है, लखनऊ में दम बिरयानी बनती है तय वाली, लेकिन यहाँ वाइट पुलाव बनता है, मुझे अच्छा लगता है, पसंद है वाइट पुलाव मुझे। और ये है वाइट पुलाव के लिए यखनी, इस तरह से यखनी बनाई जाती है। और ये देखिए है, ये है कलेजी,
ये कलेजी मैं बना रही हूँ। अभी जब रेडी हो जाएगी जब भी मैं दिखाऊंगी आपको। और ये बिरयानी के लिए चावल भीगे हैं। और ये रेडी हो गया है लंच। ये है कलेजी और ये है वाइट पुलाव। बहुत अच्छे कलर, बहुत ही अच्छा कलर आया है कलेजी का। और आप लोग ने किस तरह से इंजॉय किया और किस तरह से बकरीद सेलिब्रेट की और क्या क्या बनाया, आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये शाम के टाइम बच्चे मेरा वेट कर रहे थे कि मेरी वीडियो बनाएं और ये इंजॉय कर रहे हैं। और ये है मेरी जेठ की बेटी, बहुत ही प्यारी है। और शाम के टाइम खुले आंगन में बहुत ही अच्छा लगता है इधर। और ये है मेरे बेटे और ये कर रहे हैं जंप। ये देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। और मैंने कहा था आज फुल डे रूटीन दिखाऊंगी मैं, तो ये शाम का टाइम है और मैंने बनाए हैं कबाब। और ये तो बकरा ईद में सभी के यहाँ बनते हैं। और ये मैंने कम ऑयल में फ्राई कर लिए हैं और अभी दिखाऊंगी मैं आगे। डीप फ्राई भी किया है मैंने। और ये देखिए मैंने ये डीप फ्राई किए हैं कबाब, सीख में नहीं लगाए हैं और मैंने ऐसे ही डीप फ्राई कर दिया है। लेकिन ये भी बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं और ग्रीन चटनी के साथ सबको बहुत पसंद आते हैं। और देखिए इस शेप में भी बनाए हैं मैंने और तीन तरह के शेप में मैंने बनाए हैं और सबको बहुत ही पसंद आए और बहुत ही एंजॉय किया। और ये देखिए रेडी हो गए हैं कबाब। और ग्रीन चटनी तो ख़त्म हो गई तो इसलिए ये टमाटर की चटनी है, बहुत ही अच्छी है।
तो हम लोग ने लास्ट में इसके साथ एंजॉय किया। Hey, what's up guys? So today is Bakrid and I'm very happy to tell you all. So I wish you a very very Eid Mubarak. Tell me how your Eid is going. Okay, bye. Love you all. Thank you. और ये है मेरी नंद की बेटी। बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने और काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले थे। और आप लोग इन्जॉय करिए मौसम और ग्रीनरी। और आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में और फैमिलीज में। Thank you.